सदियों से इंडिया का आयरन और स्टील दुनिया भर में मशहूर है, क्यों? जवाब में ये देखिए, दिल्ली का आयरन पिलर, द रस्टलेस वंडर, करीब 1600 साल पहले गुप्ता पीरियड में बना, लेकिन आज तक इसमें जंग नहीं लगा। जबरदस्त है ना? अब वक्त में थोड़ा और पीछे चलते हैं। 6th सेंचुरी BC के आसपास, जब भारत में लोहे को पिघलाकर बनाया जा रहा था दुनिया का पहला हाई ग्रेड स्टील। हाई ग्रेड यानी हाई कार्बन से बना स्टील, जो बहुत ज्यादा मजबूत और करोजन रेजिस्टेंट होता है। इसे कहते हैं वूट्स स्टील। वूट्स क्यों? ये बताएंगी प्रोफेसर शारदा श्रीनिवासन, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं और वूट स्टील की स्टडी में माहिर हैं। इन्हें दक्षिण भारत के एंशिएंट साइट से ऐसे इंटरेस्टिंग सैंपल्स मिले हैं जो भारत और रोम के बीच स्टील से जुड़े सदियों पुराने व्यापार को दर्शाता है। We also have the Roman accounts of the trade of iron from the Ceres, it's called. So Ceres could possibly be Chera kingdom, and it seems likely that under the Chera kingdom the steel was being produced, and then from there it was being exported to different parts of India and the world and so on. भारत के दक्षिण राज्यों में बनाए जा रहे इस स्टील का नाम उक्कू पड़ गया। कन्नड़ा में उक्कू का मतलब होता है पिघला हुआ। फिर 17th सेंचुरी में जब यूरोपियन ट्रैवलर्स भारत आए तो उन्होंने इस शब्द को तोड़ मरोड़ कर वूट्स बना दिया। जब उन्होंने स्टील को बनाने का तरीका देखा तो उनके होश उड़ गए। इन द यूरोपियन अकाउंट्स ऑफ अबाउट द 17th सेंचुरी they observed that steel was being made by crucible processes. आमतौर पर आयरन में कार्बन का लेवल कम होता है, इसलिए वूट स्टील बनाने के लिए आयरन के साथ कार्बन रिच लीव्स को भी क्रूसिबल्स में डाला गया। और जब आयरन क्रूसिबल्स में पिघला तो कार्बराइज होकर हाई कार्बन वूट स्टील बन गया। Woods has properties of superplasticity, which is what enabled it to be forged into these spectacular blades. आपने Damascus blades के बारे में सुना है? एक वक्त था जब ये तलवारें अपनी बेमिसाल क्वालिटी के लिए मशहूर थी। And guess what? ये भी wood steel से ही बनी थी। और यही Damascus blades Game of Thrones के Valyrian steel की inspiration बन गई हैं। और तो और, Tiger of Mysore के नाम से मशहूर टीपू सुल्तान की तलवार भी इसी वूट स्टील से बनाई गई थी। It took the Western world 2000 years to actually patent the wood steel and to understand the manufacturing process. This had been made going back to the first millennium BCE. तभी तो सुई से तलवार तक और बिल्डिंग से एरोप्लेन की कतार तक कई चीजों की बुनियाद स्टील पर टिकी हुई है। और हाई ग्रेड स्टील की बेहतरीन वैरायटीज में से एक वूट स्टील कहां बनी थी? इट हैपेंस ओनली इन इंडिया।